प्यारे बच्चों नमस्कार, ए एम मैथ्स ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अनदर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। इससे पहले वाला जो भी लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर अपना प्रोवाइड करिएगा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए डिस्टेंस एस आर गिवन बिलो। ये डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द टेकन टाइम इन ए ट्रेवलिंग 60 मीटर्स, मतलब 60 मीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा वो बताना है। किसी बिंदु ए से एस दूरी पर एक कण के वेग वी निम्न सारणी में दिए गए हैं, 60 मीटर चलने में लगा समय ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे समय हमें फाइंड आउट करना है, टाइम को फाइंड करना है, ठीक है। जबकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें थोड़ा सा अलग था। तो अब सिंपल सा है कि हमें करना क्या है। जब तक हम ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे, तो अभी तो हमें ये s और ये डिस्टेंस है, ये दूरी है v दिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पर अंडरस्टूड करना है कि जो वर्क फॉर्मेट है वो हमारा कैसा है, तभी तो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग जीरो से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए हो गया ये और ये बी हो गया आपका। तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो है और बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, 60 है। अब ऑर्डिनेट कितना है, पहले टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स का मतलब ये हो गया कि कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या काउंट कर लीजिए। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7, कोटियों की संख्या 7 हो गए। तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, जो n की वैल्यू हमें क्या चाहिए, n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 1 6। हमेशा ऑर्डिनेट से एक जो होगा इक्वल पार्ट होता है, एक कम होता है, ठीक है। तो अब h फाइंड करना है, फाइंड h। तो h के बराबर आप जानते हो h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन n। तो 60 माइनस 0 अपॉन 6 10। तो h की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 10। h की वैल्यू हमें मिल गई 10। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, टी। डिस्टेंस किस में दिया है, एस और वी दिया हुआ है। तो अब हम एक रिलेशन जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो आइए, वी नो दैट, हम जानते हैं, जानते हैं कि ds upon dt इज इक्वल टू v, ठीक, v होता है, लेकिन हमें चाहिए t। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 1 upon v ds हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें dt चाहिए ना, टाइम को फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको टाइम को। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो अब आइए देखते क्या रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, डी टी इज इक्वल टू 1 upon v ds, ठीक, ds हो जाएगा। अदरवाइज टी इज इक्वल टू 1 upon v ds, और लिमिट के साथ चले जाएंगे यदि, तो टी इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 0 से लेकर के जो हमारे पास लिमिट है 60 जो मीटर चलना है, और फिर 1 upon v ds, इसी को हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअल में जो फिगर है, अब उसमें थोड़ा सा हम अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मैं अभी नीचे ले लेता हूँ, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। कॉपी यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, समझिए। अब
देखिए ये एक्चुअल में दिया क्या है आपको, समझना आपको पड़ेगा। हमें चाहिए, ये v दिया हुआ है आपको, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन v चाहिए। तो हमें अब 1 अपॉन v को फाइंड करना होगा, मतलब हम एक 1 अपॉन v का भी एक अंदर कॉलम्स बनाएंगे इसमें, तब जा कर के आगे जो बात बन पाएगी 1 अपॉन v का। इसमें 1 अपॉन v बनाना है, मतलब 1 अपॉन 47, 1 अपॉन 58, 1 अपॉन 64, 1 अपॉन 65, 1 अपॉन 61, 1 अपॉन 52, 1 अपॉन 38। अब इनकी वैल्यू डिवाइड करके आपको लिखनी पड़ेगी, तब जा कर के आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, मुझे मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो 1 अपॉन 47 की वैल्यू जो होगी 0.0213, ठीक है। 1 अपॉन 58 0.0172, 1 अपॉन 64 0.0156, ठीक है। 1 अपॉन 65 0.0154, ये वैल्यू है आपकी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 अपॉन 61 की वैल्यू अभी निकालनी है, 1 अपॉन 61 तो 0.0164, और फिर 52.0192, एंड लास्ट वैल्यू जो हमारी है 0.0263, ये मिल जाएगा हमें। तो ये वैल्यू हमें अब निकल गई, तो ये अब स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ द V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये इम्पॉर्टेंट था ये टेबल का जनरेशन, और ये टी और इस जो दिए हुए डाटा है उसमें रिलेशन को क्रिएट करना। तो ये रिलेशन यदि आप क्रिएट कर पाए तो फिर आगे कर पाएंगे, इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1 अपॉन v। और अब इसका इंटीग्रेशन आप समझ रहे हैं क्या होगा। तो जनरली अब फार्मूला हमें यहाँ राइटअप करना है, फार्मूला सिम्पसन 1/3 रूल। जनरली हमें सिम्पसन 1/3 रूल से ही सारा वर्क करना है, सिम्पसन 1/3 रूल। तो अब इस पे हमें फार्मूले को लिखना है और इवेलुएट करना है। तो सिंपली इसको हम फार्मूले अब लिख लेते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल्स इज इक्वल टू, तो जो टी या फिर 0 to 60 1 अपॉन वी डी एस इज इक्वल टू एच बाई 3, ठीक। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 into e प्लस 4 into odd, ठीक। ये 4 into odd में की कंडीशंस यहाँ पे मिलेगी। e का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, हर प्रॉब्लम्स में यही करते आ रहे हैं। ओ का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक, मतलब सम कोटियों का योगफल और विषम कोटियों का योगफल, इसका मतलब जनरली हम वही कह रहे हैं। को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सम कोटियों का योगफल और इसका हो गया विषम, विषम कोटियों का योगफल, ठीक। तो बस अब इसी पे वर्कआउट आपका फोकस यहीं पे होगा। तो पहला h बाई 3 नो प्रॉब्लम्स, ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट, ये रहा फर्स्ट और ये रहा आपका लास्ट, फर्स्ट लास्ट। तो हो गया V0 प्लस V6 प्लस 2 into, अब जैसे दोनों ले लिए तो इन दोनों का रोल खत्म, 2 into सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, मतलब जो इवन वाले हैं। तो इवन वाले कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए, V2 है एंड V4 है ओनली, तो V2 प्लस V4 प्लस। अब अगला 4 into सम ऑफ
ऑड ऑर्डिनेट, ऑड मतलब कौन सा, वी वन वी थ्री वी फाइव, वी वन प्लस वी थ्री प्लस वी फाइव इन ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर आपको रीअरेंज कर देना है और रख देना है। तो h की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 10 है तो 10 बाई 3 ब्रैकेट। वी ज़ीरो की वैल्यू है आपकी 0.0213 प्लस लास्ट में वैल्यू है 0.0263 वी सिक्स की वैल्यू। यहाँ से वी सिक्स हमारे पास है यहाँ पर 2 × V2, वी टू देखिए यहाँ पे है 0.0156 ठीक है, तो या 0.0156 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और प्लस V4 0.0164 ये वैल्यू मिल जाएगी इसकी, प्लस अब 4 × अब V1 हमारे पास यहाँ पर है, ये वैल्यू कितनी है 0.0172 प्लस, और उसके बाद है V3, तो V3 हमारे पास ये रहा 0.0154 प्लस जो एक्चुअल में V5 है 0.0192। अब सिंप्लीफाई करना है, 10/3 ब्रैकेट इसको जोड़ दिए 0.336 और 6 × 7 और 2 × 2 = 4 0.0476 प्लस 2 × इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 × 4 = 10 6 × 5 = 11 12 + 1 = 3 तीन हो गया, और फिर 0.0320 प्लस 4 × इनको सिंप्लीफाई करना है, 4 × 2 = 6 = 2 = 8 ठीक, फिर 7 × 5 = 12 9 = 21 और फिर 1 × 1 = 2 × 1 = 3 3 × 2 = 5 हो गया, और फिर 0 इक्वल 10/3 इंटू 0.0476 प्लस 0.0640 ठीक, गुणा कर दीजिए 2 से मिल गया, एंड प्लस 4 से इसमें कर देना है 2 4 × 32 4 × 1 = 7 4 × 5 = 20 2072 इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए 10/3 इंटू जो वैल्यूज इन सबको ऐड करने पे मिलेगी 6 × 2 = 8 ठीक है, 8 मिल गया, फिर 8 मिल जाएगा, इसके बाद जो वैल्यू आएगी 1 देखिए 4 × 4 = 8 नहीं ये हो गया, अभी यहाँ पे मिलना है ठीक, तो ये टोटल आएगा आपका 131 पॉइंट इतना, ऐड कर दीजिए 6 और 2 8 हो गया, फिर 7 4 = 10 नहीं 7 × 4 = 11 7 × 8 = 18 ठीक है, उसके बाद 4 की बात है 6 × 4 = 10 हो गया, 1 × 11 हो गया, फिर 3 आ गया इतना, इम्प्लाइड दैट 3.188 डिवाइडेड बाई 3 सिंप्लीफाई कर लिए 1.60 जाएगा 6 और फिर 2 1.062 इतना सेकंड जो है लग जाएगा हमें इसको, मतलब 60 मीटर पहुंचने में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन रहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टाइम हमें रिजल्ट निकालना था ये निकल गया कितना 1.062। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह और भी क्वेश्चन अभी हम और करेंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।